तैयार नहीं दिखते। जी जी ध्रुवीकरण की राजनीति, और यही सबसे बड़ा हथियार रहा है बीजेपी का। तो ध्रुवीकरण की राजनीति अगर बीजेपी यहाँ नहीं कर पा रही है, तो क्या बीजेपी यहाँ बुरी तरह से फंस चुकी है? क्या अब ऐसे बयान, अगर आज जो बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है, क्या ये भी कारगर हो पाएगा? प्रकाश हिंदुस्तानी जी। राजीव जी, पहली बात तो ये कि करना से बना है। 1 नवंबर 1956 से तब से अब तक कभी भी बीजेपी को वहां स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, बहुमत ही नहीं मिला। 2013 या 2018 में बड़ी पार्टी थी बीजेपी, लेकिन उसे कोई बहुमत मिला नहीं। तो कांग्रेस के दूसरे विधायकों को तोड़ तोड़ के दल बदल करके बीजेपी वहां सरकार बनाती रही। अब नरेंद्र मोदी के नाम पर वहां दोबारा सरकार बनाना उन्हें मुश्किल लग रहा है। पिछली बार तो दल बदल करवा के सरकार बना ली थी। नरेंद्र मोदी के नाम पर सरकार बनाने में दिक्कत यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो बातें कही वो ये कि स्थानीय मुद्दों को बहुत ज्यादा महत्व उन्होंने दिया है। इसके अलावा 40% करप्शन का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया है, और स्थानीय मुद्दों के साथ ही विकास की जो बातें, विकास के जो दावे कांग्रेस ने किए हैं वो बीजेपी को भारी पड़ रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से हैं, और उन्होंने कर्नाटक के चुनाव को बहुत अहम माना है, और वो सक्रिय हैं। उनके बेटे भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वे खुद कर्नाटक से हैं। तो इन सब बातों को देखकर बीजेपी की सांसत आई हुई है। बताइए, नरेंद्र मोदी जी ये क्यों कहते हैं अपने साथियों से, अपनी पार्टी के वर्कर्स से, वो भी ऑनलाइन जाके, कि मैं जल्दी ही आऊंगा? वे तो हर जगह जाने के लिए तत्पर रहते हैं, उधार बैठे रहते हैं, क्यों नहीं जाते? लगता है प्रधानमंत्री, बीजेपी के नेता जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्हें इस बात का एहसास है कि कर्नाटक में अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि कर्नाटक को जो ड्यू मिलना चाहिए था केंद्र से वो नहीं मिला। देश के जीडीपी में 8% से ज्यादा का योगदान देने वाले राज्य को जीडीपी में उसका जीएसटी में जो योगदान था वो वापस नहीं मिला। स्थानीय लोगों की उपेक्षा हुई, बीजेपी की सरकार में उन नेताओं की उपेक्षा हुई जो बीजेपी के झंडा बरदार थे, और उन नेताओं की उपेक्षा न केवल नरेंद्र मोदी ने की, बल्कि उन नेताओं की उपेक्षा अमित शाह ने भी की। बाद में नरेंद्र मोदी भले ही वहां हालात को सुधारने के लिए गए, लेकिन वो कर नहीं पाए। बची खुशी खुशी कसर जो थी वो गृह मंत्री जी ने पूरी कर दी, जब उन्होंने ये कहा कि अगर हम यहां सरकार में नहीं आए तो यहां दंगे होंगे। तो स्पष्ट है कि ये किस पार्टी की तैयारी है कि अगर हम सत्ता में ना आए तो दंगे कराएं, या हम सत्ता में आए तो हमारी आगे की रणनीति क्या होगी। तो ये बीजेपी हर तरफ से घिर गई है, और राजनीति में जो बड़ा बदलाव होगा वो आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा, जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव होंगे। हो सकता है कि महाराष्ट्र में भी इन राज्यों के साथ चुनाव हो जाए, हो सकता है कश्मीर में भी चुनाव हो जाए। संभावना है कि महाराष्ट्र में जो बदलाव दिख रहे हैं, जो कर्नाटक से लगा हुआ राज्य है और वहां राजनीतिक उथल पुथल है, सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला आने वाला है, हो सकता है केंद्र की सरकार राष्ट्रपति से सिफारिश कर दे कि कर्नाटक की महाराष्ट्र में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, और कुछ दिनों के बाद जब राज्यों में चुनाव हो तो वहां के चुनाव कराए जाए। तो कुल मिला के सब तरफ से बीजेपी घिरी हुई है। बची खुची कसर सतपाल मलिक ने निकाल दी है, उन खिलाड़ियों ने निकाल दी, उन पहलवानों ने निकाल दी जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री अपने घर बुलाते थे और उनके साथ सेल्फी लेते थे, और जब वे बेटियां धरने पर बैठी है आंदोलन कर रही तो उनकी तरफ देखते भी नहीं है। तो ये सारी बातें एक के बाद एक सीधा बीजेपी के खिलाफ जा रही है, और लगता है कर्नाटक में बदलाव, राजनीति में बड़ा बदलाव इसीलिए आएगा कि जो डबल इंजन की सरकार का नारा बार बार दिया जा रहा था, एक तो कर्नाटक में उससे लोग निजात पाएंगे, दूसरा उत्तर प्रदेश और बिहार में, बंगाल में जिस तरह की राजनीतिक हो रहे हैं वे सब के सब बीजेपी के पक्ष में नहीं जा रहे हैं, और देश की हवा बदल रही है। लोग बीजेपी से, बीजेपी के नेताओं से आजीज आ चुके हैं।
उनके बड़बोलेपन से और उनकी अहंकारी नीतियों से। आप लगातार देखें कई राज्यों में, एक के बाद एक कई राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, अगर वहां पर ईमानदारी से जांचे हों तो पता नहीं कितने बड़े बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे हों, लेकिन चूंकि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई बीजेपी के हाथ में है, केंद्र की उस सरकार के हाथ में जो बीजेपी के द्वारा चलाई जा रही है, तो ये लोग बचे हुए हैं। तो बहुत सारे बदलाव हैं और कर्नाटक देश की राजनीति में उस बड़े बदलाव का एक बड़ा झंडा बरदार होगा। राजीव जी, जी कर्नाटक से, यानी कि कर्नाटक से शुरुआत होगी क्या? कर्नाटक के बाद सिंह साहब आपके पास आना चाहता हूं। कर्नाटक और तमाम राज्यों का जिक्र अभी कर रहे थे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कर्नाटक के बाद जो और भी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान ये महत्वपूर्ण हैं, तेलंगाना भी है, मिजोरम भी है, लेकिन साथ साथ कहना है इनका कि हो सकता है कि महाराष्ट्र में भी चुनाव हो जाए। और महाराष्ट्र भी बहुत बड़ा राज्य है और इन तमाम राज्यों को देखिए तो सेंट्रल इंडिया के इर्द गिर्द ये हैं, मध्य भारत और कर्नाटक दक्षिण भारत का द्वार, और मध्य भारत, मध्य भारत से ऊपर आइए आप तो उत्तर भारत, और उत्तर भारत में जो राज्य हैं वहाँ की परिस्थितियाँ भी बहुत पक्ष वाली, भाजपा के पक्ष वाली नज़र नहीं आती हैं। तो क्या एक बड़े बदलाव की ओर जाता हुआ हम देख रहे हैं इस देश को, और ख़ासकर जब शरद पवार कह रहे हैं कि रोटी पलटने का समय आ गया है, तो ऐसे जो वरिष्ठ नेता हैं, कद्दावर नेता, अनुभवी नेता, अगर ये बात कह रहा हो तो इसका मतलब है कि उसको समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में क्या कुछ होने जा रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए, और अगर इस हिसाब से देखा जाए, समझा जाए, तो क्या ये अब बीजेपी के ढलान का, नीचे उतरने का वक्त दिखाई दे रहा है? एक पुरानी कहावत है कि पहाड़ के शिखर पर पहुंचने के बाद आप नीचे ही उतरते हैं। निश्चित रूप से पहाड़ के शिखर पर पहुंचने के बाद अब बीजेपी ढलान पर है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे अभी अखिल स्वामी जी ने बताया, इस पूरे घटनाक्रम में हम कर्नाटक की तरफ केंद्रित हैं, लेकिन दिल्ली में जो कुछ भी घट रहा है वो कर्नाटक के इस हलचल से कम महत्वपूर्ण नहीं है, और उसका प्रभाव कर्नाटक के इस हलचल से कम नहीं पड़ने वाला है। वो प्रभाव है सत्यपाल मलिक का। सत्यपाल मलिक जी ने 3 खुलासे किए, 3 बातें बताई। एक तो पुलवामा हमला को लेकर बताया, जहाज की बात कि एयरलिफ्ट नहीं कराया गया, जहाज नहीं दिया गया। दूसरी राम माधव के बारे में बताया कि 300 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश की गई। और तीसरी बात जो दिल्ली में जंतर मंतर पर हमारे महिला पहलवानों द्वारा, ओलंपिक के मेडल लाने वाली बच्चियों द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है उसके बारे में। कल जब किसी ने कुछ राजनीतिक चर्चा से अलग हटके कुछ कानून की बातें बता दूं, कल जब सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने यह कहा कि पुलिस की इच्छा है कि वो इस मामले में प्रारंभिक जांच कराए, उसके बाद FIR कायम कराए। ये अत्यंत हास्यास्पद बयान है और अत्यंत हास्यास्पद कथन है। इसी के बाद तुरंत ये भी जोड़ते हैं कि यदि ये लॉर्डशिप कहें या आदेश दें तो हम मुकदमा भी कायम कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि 154 CRPC जिसके अंतर्गत FIR दर्ज होती है, जिसके अंतर्गत FIR दर्ज करने की पुलिस को पावर है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है किसी भी आपराधिक किसी भी अपराध की सूचना यदि थाने दी जाएगी तो इस धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होगा, और जो कुछ भी उस FIR में लिखा रहेगा, जो कुछ भी उस प्रार्थना पत्र में लिखा रहेगा, वो वैसी धाराएं IPC की धाराएं या जो भी धाराएं लगेंगी उन्हें लगा दी जाएंगी। प्रारंभिक जांच का कोई जिक्र ही नहीं है, प्रारंभिक जांच का कोई प्रावधान ही नहीं है। प्रारंभिक जांच का प्रावधान विभागीय जांच में होता है। जैसे मैं अधिकारी हूं और मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट जाती है तो उसकी सरकार पहले प्रारंभिक जांच कराती है सीनियर अफसर से कि आप इसकी जांच करिए, इसमें कितना सत्य है। प्रारंभिक जांच के बाद जब अफसर इस तथ्य पर पहुंचता है कि नहीं इसमें कुछ तथ्य है, इसकी गंभीर जांच की जानी चाहिए, तब विभागीय जांच की कार्रवाई होती है। और विभागीय जांच में यदि पाया जाता है कि अपराध हुआ है तो उसका फिर मुकदमा कायम करके फिर पुलिस तफ्तीश होती है। लेकिन ये सिर्फ ये अलग है और ये बिल्कुल अलग बात है कि आप अपराध का मुकदमा कायम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार की दृष्टि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष को बचाने के लिए है, न भी बचाने के लिए है तो इस मामले को टालने के लिए है। ये तो हुई कानून की बात। अब
सुरेश शुक्ला जी की बात पर आते हैं, इन्होंने बहुत सही कहा कि कर्नाटक से जो बयार चली है, कर्नाटक में जो परिवर्तन की लहर दिख रही है, जो परिवर्तन का संकेत मिल रहा है, वो आगे आने वाले राज्यों के चुनाव में जैसे तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हो सकता है महाराष्ट्र भी, महाराष्ट्र में शामिल हो सकता है, इसका अंदाजा जरूर होगा शरद पवार जी को, क्योंकि वो अत्यंत अनुभवी और वरिष्ठ नेता है और उनका रहस्य भी काफी गहरा है। लोग समझ नहीं पाते कि ये किस बात, इनकी किस बात का क्या परिणाम होगा और उनकी किस चाल का क्या असर होगा। तो ऐसी स्थिति में इसमें बड़े नेता की बात को कि रोकी पलटनी चाहिए, दरकिनार नहीं किया जा सकता। वैसे ये कथन डॉक्टर लोहिया का है कि रोटियां पलटती रहनी चाहिए, रोटियां और सरकारें पलटती रहनी चाहिए जिससे वो जल न जाए। ये बात उन्होंने बहुत सही कही शरद पवार जी ने कि इसका वक्त आ गया है। तो दूसरी बात, जब अमित शाह की बात आप करते हैं तो जब दंगों की बात करते हैं कि भाई आप हम नहीं आएंगे तो दंगे होंगे, इस पर मुझे एक ही बात कहनी है कि ये पूरा समाज, इनका समाज, संघ भाजपा का जो पूरा ग्रुप है, जो पूरा समूह है, उनके दिमाग में सांप्रदायिक वैमनस्यता और दंगा एक स्थायी भाव के रूप में। उत्तर प्रदेश में 2014 के चुनाव के पहले मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, जबरदस्त दंगे हुए थे, ऐसा दंगा दिल्ली के आसपास देखा नहीं गया था, गांव गांव दंगे हुए थे। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे होते रहे हैं, मुरादाबाद में हुए थे, फिरोजाबाद में हुए हैं, आगरा में हुए हैं, मेरठ में हुए हैं और लंबी अवधि तक चलने वाले दंगे रहे हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर के दंगे की खासियत ये थी कि वो दंगा उन क्षेत्रों में हुआ, गांव गांव में हुआ, जहां पर लंबे समय से हिंदू जाट और मुस्लिम जाट एक साथ रह रहे थे। एक स्थिति उसी के बाद 2014 का चुनाव हुआ। दंगा इनका मूल भाव है। मैं एक चीज यही लोगों से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता या बड़े नेता या स्टार प्रचारक ये नहीं बताते कि हमने आपसे ये वादा किया था, हमने इतना वादा पूरा कर लिया है और अब हम आगे ये वादा कर रहे हैं। उस पर आते ही नहीं है, अपने मैनिफेस्टो पर आते ही नहीं है। तो जब भी आएंगे, दीदी और दीदी पर आएंगे या कुछ ऐसे बयान कर देंगे जिसको आपत्तिजनक बयान होगा, जैसे आज इन्होंने कहीं और बयान दिया कि आत्महत्या का कहीं मजाक उड़ाया, मैं अभी फेसबुक पर ही कहीं देख रहा था, या कहीं ये बयान दे देंगे कि हम नहीं आएंगे तो दंगे होंगे। उसी में अमित शाह जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। ये कभी नहीं उन्होंने कहा कि 40% भ्रष्टाचार के बारे में उन्होंने क्या कार्रवाई की। 40% भ्रष्टाचार में जो लिप्त लोग हैं या जो आरोपी लोग हैं उनके बारे में सीबीआई ईडी की जांच क्यों नहीं हुई? तो भ्रष्टाचार के बारे में भी इनका स्टैंड मेरी समझ से यही है कि इनके समझ से भ्रष्टाचारी वही है जो इनके खिलाफ है, जो इनके साथ है वो भ्रष्टाचारी नहीं है। यह एक प्रकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ सिलेक्टिव अभियान है और भ्रष्टाचार के खिलाफ या अपराध के खिलाफ कोई भी सिलेक्टिव अभियान वो कानूनी अभियान नहीं होता, वो अपने आप में ही भ्रष्टाचार होता है। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह की स्थिति कर्नाटक में चल रही है, और एक बात मैं अंत में ये जोड़ना चाहूंगा कि कांग्रेस ने आज अमित शाह के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया है। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ न कुछ अबाही तबाही बोलते रहते थे, उस पर कांग्रेस चुप थी, कहीं कोई एक्शन नहीं होता था, ट्रोल आर्मी भी थी। कांग्रेस जागी है, लेकिन थोड़ा देर से जागी है, लेकिन समय से जागी है। अब हम तो ये कहेंगे कि समय से जागी है, और जिस तरह से अब इन्होंने मुकदमा लिखाने शुरू किए हैं, उनके ट्रोल के फैक्ट सामने आने लगे हैं, लोगों को समझ में आ गया है कि हमने एक ऐसे लोगों को चुना था जिनकी डिग्री से लेकर वादे तक सब कुछ फर्जी दिखाई दे रहे हैं और सब पर विवाद है। तो मैं यही कहूंगा। दूसरी बात, मैं जोड़ना चाहूंगा, जैसे कि अभी सुरेश शुक्ला जी ने याद दिलाया और बताया कि वो वहां से कह रहे हैं कि बूथ कब्जा करो। बूथ के 100 मीटर के एरिया में तो आप जा ही नहीं सकते, कोई जो वोटर है वही जाएगा और वोटर भी लाइन लगा के जाएगा, वोट दे के बाहर निकल जाएगा और अंदर वही रहेगा जिसके वहां कार्ड जमा होंगे, जो कि आपके राजनीतिक दलों के जो वो रहते हैं एजेंट, आप उससे क्यों कब्जा करेंगे? तो इस पर ये वाक्य ही अपने आप में अलोकतांत्रिक है। और डबल इंजन तो मेरी समझ से संघवाद के बिल्कुल विपरीत है। संघ, ये हम एक राज्यों के संघ हैं, हम एक राज्यों के संघ हैं, ये संविधान की पहली लाइन है। राज्यों के संघ में राज्य में कोई भी सरकार हो सकती है, नगर में किसी का भी मेयर हो सकता है, उसके नीचे ग्राम पंचायत में किसी भी विचारधारा के व्यक्ति ग्राम प्रधान हो सकता है, केंद्र सरकार किसी भी हो सकती है। यह विविधता है लोकतंत्र की, यह विविधता है हमारे तंत्र की, सिस्टम की, चुनाव तंत्र की।
ये कहना कि डबल इंजन, तो कभी कभी तो ट्रिपल इंजन यूपी में सुनाई देने लगा है कि मेयर के चुनाव है तो ट्रिपल इंजन चुनिए आप, तो डबल इंजन ट्रिपल इंजन कभी ये नहीं बताएगा कि डबल इंजन के बावजूद भी उन्होंने स्टेट को प्रगति के या विकास के पथ पर कितना खींचा है, कितना आगे ले गए हैं, ये कुछ नहीं बताएंगे। ये जरूर कहेंगे कि फलाने आ जाएंगे तो करप्शन बढ़ जाएगा, फलाने आ जाएंगे तो दंगा होने। ये सारी बातें कहेंगे लेकिन मूल मुद्दे पर नहीं आएंगे। मेरा यही कहना है कि कर्नाटक में जो कुछ भी इस समय दिखाई दे रहा है उसे भाजपा घबराई हुई है और वो डिफेंसिव मोड में है, और कांग्रेस अपने सदैव तरीके से अपना कदम आगे बढ़ा रही है। अब परिणाम 10 तारीख की वोटिंग के बाद जो आएगा तभी कहा जा सकता है। सर्वे बेहतर बता रहे हैं लेकिन सर्वे सिर्फ एक अनुमान होते हैं, अनुमान पर हम बहुत कुछ अपनी राय न व्यक्त करें तो बेहतर है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सिंह साहब, कानून के तो आप जानकार हैं ही, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं आप, तो उस हिसाब से भी और जो कुछ देश में चल रहा है, जो सियासी हालात हैं, उस पर पैनी निगाह आप रखते हैं और वही आप यहां बता भी रहे हैं। डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी, किस रूप में देखा जाए कर्नाटक का चुनाव, और बहुत बुरी तरह फंसी हुई बीजेपी यहां दिखाई देती है, तमाम नेता बीजेपी के आज थोड़ा सा उत्साहित नजर आए जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जहर कह दिया, लेकिन जहर हो सांप हो बाकी चीजें, लेकिन इन सब से इतर अमित शाह ने जो बात कही कि कांग्रेस आएगी अगर तो दंगे करवाएगी, ये तो अपने आप में जहर क्या उससे बहुत बड़ी चीज है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कांग्रेस ने करवा दी है। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि क्या माना जाए। डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी, देश की राजनीति में कर्नाटक का जो ये चुनाव है एक बड़े बदलाव की ओर है, क्या अब इसके आगे हम जो अभी तक जो संघवाद पे चोट और बाकी चीजें जो देखते थे, कई लोग ये भी कहते हैं कि 2024 में अगर मोदी जी आ गए तो आगे चुनाव होगा ही नहीं, इन सबको पलटने वाली बात है, कई लोग कहते हैं ऐसा, इसलिए ये बात मैं यहां रख भी रहा हूं, शायद आप लोग भी सुनते होंगे कि 2024 में अगर बीजेपी आ गई तो आगे हमारे संविधान से ये जो लोकतंत्र की बात है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन 2024 अभी दूर है, उससे पहले 10 मई है और 13 मई को रिजल्ट आना है। 10 मई और 13 मई में क्या कुछ आप देख रहे हैं? 13 मई को रिजल्ट अगर भाजपा के पक्ष में जाता है तो क्या कुछ देखते हैं, और 13 मई को अगर रिजल्ट भाजपा के खिलाफ जाता है तो किस रूप में देखते हैं? डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी, अनम्यूट कर लीजिए। चलिए आप रिकनेक्ट कीजिए, तब तक किसी सवाल के साथ अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, 13 मई, राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो नारे देने में बड़े माहिर हैं, बड़े अच्छे अच्छे नारे देते हैं। अब पता नहीं ये सोशल मीडिया पे नारा किसने चला दिया कि 13 मई और भाजपा गई। अभी सोशल मीडिया पे जो नारा चल रहा है 13 मई भाजपा गई, ये पता नहीं है कितना सही है कितना गलत है, किसने चलाया है इस तरीके के नारे आ रहा है कि भाजपा के लोग ही चलाते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो है लोग स्वीकार कर चुके हैं कि 13 मई भाजपा गई। आज जो प्रधानमंत्री का भाषण है राजीव जी, एक तरीके से कहा जाए वो स्वीकारोक्ति है कि प्रधानमंत्री ये मान चुके हैं कि कर्नाटक में 13 मई को भारतीय जनता पार्टी जा रही है। प्रधानमंत्री का कहना कि बूथ कब्जा करो, तो ये तो यही बताता है, मतलब कह रहे हैं कि आप तब तक नहीं जीतेंगे जब तक आप बूथ पे कब्जा नहीं करेंगे। मतलब प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया कि बिना बूथ पे कब्जा किए हुए भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है, यानी जनता जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिता रही है ये प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं। अब खुल के तो नहीं कह सकते ना प्रधानमंत्री, आगे राजनीतिक व्यक्ति खुल के नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, और कहना भी नहीं चाहिए। फिर चुनाव से पहले कैसे कह रहे हैं कि हम हार रहे हैं, चुनाव के बाद भी स्वीकार करना चाहिए कि हम हार रहे हैं, हर राजनीतिक व्यक्ति को भले ही कितनी बड़ी हार हो जाए। तो कुल मिला के राजीव जी, जो प्रधानमंत्री ने आज कहा है वो साफ संकेत दे रहा है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, और वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो बहुत बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हावी हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास उनका कोई जवाब देते नहीं बन रहा है।
40% कमीशन के आरोप तो थे ही, लेकिन जो नंदिनी का मुद्दा छाया है और जिस तरीके से अमित शाह जी भाषण देकर के आए कि साहब मोदी जी को 100% कर्नाटक और प्रियंका गांधी ने उस पर जो पलटवार किया, मुझे लगता है कि ये प्रियंका गांधी का जो पलटवार है ये हर कन्नड़ व्यक्ति के दिलों तक उतर गया है और ये महसूस होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कन्नड़ अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रही है। और मुझे लगता है कि ये बात सही भी है कि कन्नड़ अस्मिता के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है और कन्नड़ अस्मिता क्या जितनी भी क्षेत्रीय अस्मिताएं हैं सबके साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ करती ही है। ये उसकी अपनी राजनीति है, ये उसकी अपनी रणनीति, वो ऐसा किया करती है तो वो उस पर काम करती है, उस पर काम कर रही है। अब देखना यह है राजनीति की भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जो कर्नाटक में परिस्थितियां बन रही है उनसे निपटने की कोशिश करती है। इधर जिस तरीके से अमित शाह के ऊपर जो है कांग्रेस ने एक्शन लिया है, मुझे लगता है कि ये काफी हद तक जो है, मैं आपको याद दिलाऊं कि ये कर्नाटक जो है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को बार बार बैकफुट पर जाना पड़ता है। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में ही जाके कहा था सिद्धारमैया के लिए सीधा रुपया, और उसके बाद फिर सिद्धारमैया ने 100 करोड़ का जो था मानी हानि का नोटिस देने की बात कही थी, उसके बाद प्रधानमंत्री जो थे वो सिद्धारमैया का सा बोलना भी भूल रहे थे। तो अमित शाह जी मुझे लगता है दंगों का दा बोलना भूल जाएंगे कर्नाटक के पूरे चुनाव में, और अगर नहीं भूलते तो कांग्रेस उस पर जमे रहना चाहिए, पूरी कानूनी लड़ाई जो है वो पूरे अंजाम तक जब तक नहीं पहुंचे तब तक इस पर जुटे रहना चाहिए। क्योंकि केंद्र का गृह मंत्री जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता जिसने भारत के संविधान की शपथ ली है, और केंद्रीय गृह मंत्री का ये कर्तव्य है कि देश के अंदर कहीं भी जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होता हो वो अपना काम ईमानदारी के साथ करे और संविधान की जो उसने शपथ ली है, जो उसने वायदा किया उसको पूरी तरीके से निभाए। मुझे लगता है कि अमित शाह जो है वो जो उन संविधान की शपथ ली थी उसको निभा पाने में पूरी तरीके से विफल रहे, और प्रधानमंत्री यदि वास्तव में ईमानदार है जैसा वो कहते हैं कि वो ईमानदार है तो उन्हें तुरंत केंद्रीय गृह मंत्री के ऊपर जो है एक्शन लेना चाहिए, जो केंद्रीय गृह मंत्री जो है खुलेआम जो है दंगे कराने की धमकी दे रहा है। अब देखना यह राजनीति की प्रधानमंत्री क्या करते क्या नहीं करते वो तो अलग का मसला है, वो करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कर्नाटक में इसका जबरदस्त असर पड़ेगा और ये जो इनकी सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति है ये अब कर्नाटक में कामयाब होने वाली नहीं है। और पहले भी जो है सांप्रदायिक राजनीति जो वो कर्नाटक में कामयाब नहीं हुई थी, क्योंकि पहले ये येदुरप्पा के रूप में चेहरा सामने रखते थे और येदुरप्पा के नाम पे वोट मिलता था, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वोट नहीं मिलता था, ये वहां कोशिश जरूर करते थे हिंदू मुसलमान करने की। तो आज भी जो है ये पीछे जब हटे हिंदू मुसलमान करने से, हालांकि गृहमंत्री जो उसी पे टिके हुए उसी लाइन पे जो भारतीय जनता पार्टी की लाइन है, तो अब देखना ये राजीव जी ये कितना जो है कुल मिलाकर बैकफुट जाते हैं। दूसरा जो दिल्ली में चल रहा है राजीव जी, आपको याद होगा कि मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए थे उसमें जो था वो यही जो था एक तरीके से बातें कही गई थी, साहब बेटियों के साथ जो है वो छेड़खानी हुई, ये सब हुआ, उसके बाद जो है वो पंचायत हुई कि बहु बेटी बचाओ पंचायत जो तरीके हुई थी। अब सवाल ये है कि बहु बेटियों के सम्मान के प्रति इतना सजग रहने वाले लोग जो है, जो देश का मान और देश का गौरव है जो बहु बेटियां, उनके सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है तो लोग जो है जागते कि नहीं जागते ये देखना होगा राजनीति, यह आने वाला समय तय करेगा। जी बिल्कुल आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अब शायद आवाज भी उनकी आ रही होगी। दीपक जी सीधे उसी सवाल के साथ जिस सवाल के साथ पहले आपके पास आया था फिर अमलेंदु जी के पास गया, क्या कहेंगे 13 मई, हालांकि ये कह रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी 13 मई भाजपा गई, लेकिन भाजपा अगर गई तो देश की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है, और भाजपा आई तो फिर क्या होने वाला है? देखिए आपने जो सवाल, मेरी आवाज आ रही पहले मैं कंफर्म कर लूं? बिल्कुल 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 क्लियर जी जी। तो आप पिछले समय जो कह रहे थे मेरा वीडियो बंद होने के पहले कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि अगर मोदी वापस आए और भारतीय जनता पार्टी भी लौट आती है सत्ता में तो क्या तो अगले चुनाव होंगे ही नहीं, तो मैं आपको बहुत गंभीरता से बोलूं कि मैं भी उस विचारधारा का हूं, और बल्कि मैं तो यहां तक मानने के लिए भी तैयार हूं कि 20 दिसंबर के खत्म होते होते जम्मू कश्मीर का चुनाव होते होते अगर हुआ तो, और जो महाराष्ट्र भी शामिल कर लीजिए और जो निर्धारित चुनाव है वो भी, अगर अगर ऐसा लगा मोदी को या भारतीय जनता पार्टी की 2024 का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है तो वह कोई भी कदम उठा सकती है। वो कौन कौन से कदम हो सकते हैं इसको हम सब लोग प्रिज्यूम कर सकते हैं। तो वाकई देश जो है बहुत बड़े इस खतरे में है कि अगर अगर लगातार जो पूरे के पूरे इस पूरे की पूरी जो पंक्ति है चुनाव की इसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी अगर हारती गई तो निश्चित रूप से कोई बड़ा कदम उठा सकती है मोदी सरकार।
कर्नाटक के साथ कर्नाटक को लेकर भारतीय जनता पार्टी का संकट ये हो गया है कि कर्नाटक के जो मुद्दे हैं अब वो स्थानीय नहीं रह गए हैं, वो मुद्दे जो है वो राष्ट्रीय स्तर के बन गए हैं। सारे भारत में अब लोगों को ये समझ में आने लग गया है कि कर्नाटक के साथ जो कुछ हो रहा है या भारतीय जनता पार्टी ने जैसा वहां पे रूल किया उसके इस सत्ता चलाने के दौरान जो जो हुआ वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर वही बात है, कहीं पर बात उभर कर आ गई। जैसे उदाहरण दूं आपको, अब लोगों को भी ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है। एक और मुद्दा था जो कर्नाटक से जुड़ा था, कर्नाटक अस्मिता से जुड़ा था, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा सामने नहीं आया, वो था विजया बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा में उसका विलीन कर दिया गया। तो जो पिछले 2019 में 2021 में निर्णय लिया गया और तीन बैंकों को जो मर्ज किया गया उसमें विजया बैंक, महाराष्ट्र का देना बैंक और उन दोनों को बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया, समाहित कर दिया। जबकि यहाँ का जो बैंक था विजया बैंक वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में था और वो भी एक तरह से कर्नाटक की अस्मिता का ही प्रतीक था। लेकिन अब धीरे धीरे जो है ये बात भी अब सामने आ रही है, कुछ फाइनेंशियल सेक्टर में भी ये बात हो रही है। जिस तरीके से अमूल के जरिए, अमूल के द्वारा नंदिनी पे हमला किया गया, वैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा विजया बैंक को हस्तगत किया गया था। ये सारी चीजें धीरे धीरे आ रही है। दूसरी बात ये हो रही है कि कर्नाटक के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के शासन प्रणाली जो है उसके कार्यकर्ताओं का जो व्यवहार है वो भी लोगों के सामने आ रहा है। यहाँ जो दिल्ली में जो पहलवान जो महिलाएं हैं जिस तरीके से उनका धरना चल रहा है वो तो एक अलग है। एक और मुद्दा सामने आया है, ऑस्ट्रेलिया में जो फ्रेंड्स फॉर बीजेपी के एक मिस्टर बालेश करके हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो वहां पे सीरियल रेपिस्ट के रूप में सामने आए हैं। उनके बहुत सारे नेताओं के साथ फोटो आए हुए हैं सामने। उसके बाद एक और संजय शेरपुरिया नाम का गाजीपुर का रहने वाला सामने आया है, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़ा नजदीक का आदमी है। उसके उसके भी घर में जब एसटीएफ गई तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ इस उसको महाठग की उपाधि दी गई है। उस महाठग ने कहते हैं कि लगभग 100 करोड़ रुपए अलग अलग कामों से जो है वो लोगों से वसूले हैं, वो भी गिरफ्त में है और वो भी भारतीय जनता पार्टी का ये हो रहा है। तीसरी बात, अमित शाह के खिलाफ शिकायत का दर्ज करना अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। आप ये बताइए, पिछले कुछ समय में क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता के खिलाफ कहीं भी शिकायत होती थी? कहीं नहीं होती थी, या होती भी थी तो उसको किसी न किसी तरीके से कोर्ट के द्वारा हो या कहीं से राहत मिल जाती थी। यहाँ तक कि गोली मारो वाले जो हमारे नेता हैं उनके बारे में कह दिया गया कि उन्होंने तो मुस्कुरा कर किया गया तो ये अपराध नहीं है। तो कानून की और कानूनी धाराओं की जो अलग अलग तरह से व्याख्याएं जो हो रही हैं कोर्ट के द्वारा और थानों के द्वारा, कर्नाटक में देखिए अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लेकिन वहां ये शिकायत दर्ज की गई, ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। अब मुझे ऐसा लगता है कि न केवल लोग समझ रहे हैं कि रोटी के पलटने का वक्त आ गया है, न केवल शरद पवार जी को समझ में आ गया है कि रोटी का पलटाया जाना जरूरी है, मुझे तो लगता है कि अब प्रशासन में बैठे लोगों को भी अब ये समझ में आने लग गया है कि ये अति हो रही है कि भारत का गृह मंत्री जो वही देश में दंगा करना चाहता है। और ऐसा लगता है कि ये जो उन्होंने कहा है कि गुजरात कर्नाटक में अगर आपने भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताया तो दंगे हो सकते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बयान है आने वाले और कई राज्यों में हम सुन सकते हैं। हो सकता है कि कहीं वो छत्तीसगढ़ के चुनाव के दौरान न कहे, मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान न कहे, राजस्थान के चुनाव के दौरान भी कह सकते हैं, यहाँ तक कि जम्मू और कश्मीर के चुनाव के दौरान भी कहे जाएंगे कि अगर हमें नहीं जिताया तो हो सकता है कि पहले वाली स्थिति हो जाए। क्यों भी है, उनका अपना जो एक नैरेटिव होता है उलझुल बातों का वो किया जाएगा। तो कर्नाटक से देश की राजनीति में इसलिए बड़ा बदलाव आ रहा है कि अब लोग रियलाइज करने लगे हैं और कर्नाटक के मुद्दे कर्नाटक के नहीं रह गए हैं, कर्नाटक के मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे बन गए हैं। लोगों ने समझ लिया है कि कर्नाटक जो है वो एक सैंपल है। इस सैंपल को देख के आप समझ सकते हैं कि 2024 में अगर बीजेपी और मोदी आए तो पूरा का पूरा देश कैसा बन जाएगा। ये सबसे बड़ा संकट जो है भारतीय जनता पार्टी का है, अब लोग इस चीज को जानने लग गए। राजीव जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो आप यहां कर रहे हैं कि अब पिछले 9 साल से इनफैक्ट देखिए तो बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं उनके खिलाफ FIR, शिकायत तो दूर की बात, FIR दर्ज कराना, और पुलिस की इतनी हिम्मत कि वो FIR दर्ज कर ले। यहाँ हमारे एक पुलिस के अधिकारी बैठे हुए हैं हमारे साथ, लेकिन फिर भी ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गोली मारो वाले जो हमारे महान नेता हैं वो भी अभी उनके साथी भी सब लोग घूम रहे हैं।
और ऐसे में अगर देश के गृह मंत्री, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि देश में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चले, उनके ऊपर FIR दर्ज करवाना ये छोटी मोटी घटना नहीं हो सकती। आज की तारीख में और पिछले 9 साल के BJP के सियासी इतिहास को अगर पलटें तो देखा जाए कि ये बहुत बड़ी घटना है। और इस घटना के आधार पर अगर आगे की सियासत को अगर हम उसकी समीक्षा करें तो प्रोफेसर अखिल स्वामी जी किस रूप में देखा जाएगा, जरा आपका नजरिया, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना, छोटी मोटी घटना नहीं, और उसमें भी राजनीति की दिशा। और देखिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, अभी आप सत्यपाल मलिक जी का नाम ले ही रहे थे। सत्यपाल मलिक जी 2.5 महीने बाद फिर से पहलवान लड़के लड़कियाँ जो हैं वो जंतर मंतर पे, और उनका साथ देने के लिए अलग अलग नेता। अभी आप कह रहे थे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी आना चाहिए शायद इस अपने इस प्रोग्राम को, अगर वो लोग देखें, उनके शुभचिंतक देखेंगे तो ये ज़रूर बताएंगे आपकी जो मंशा है, और ये पहुंचना भी चाहिए ये बात उन तक कि उन लोगों को पहुंचना चाहिए वहाँ जहाँ आप अलग अलग गलियों में खाना खाने के लिए पहुँचते हैं राहुल जी, तो यहाँ तो ज़रूर ही पहुँचना चाहिए। क्या कहेंगे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, इतनी बड़ी घटना और इसके बाद की सियासत किस रूप में देखते हैं? देखिए मुझे राजीव जी ऐसा लगता है जो अगर शब्द है ना, ये बहुत खतरनाक शब्द है। जो मैं पूरा विश्लेषण करता हूं और पूरी जो पूरी परिस्थिति को देखता हूं, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है कि BJP सत्ता में वापस आ सके। अगर शब्द से असल में जो प्रशासन तंत्र है उसको थोड़ा सा मौका BJP का नैरेटिव देता है कि संभावना है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी संभावना है। देखिए एक पहिए पे जो साइकिल चलती है वो अस्थिर होती है, दो पहिए पे चलती है उससे ज्यादा स्थिर होती है, तीन पहिए पे उससे ज्यादा और चार पहिए पे उससे ज्यादा। बीजेपी ने जो सैद्धांतिक गलती की है, उन्होंने लड़ाई को BJP वर्सेस विपक्ष के बजाय मोदी वर्सेस विपक्ष कर दिया है। और हमारे मैनेजमेंट में कहा जाता है कि जब आप ओवर ब्रांडिंग कर देते हैं तो मोदी जी की आपने ओवर ब्रांडिंग कर दी। आज के तारीख में क्योंकि ये लड़ाई BJP की रही नहीं गई, आपने शायद खबर सुनी हो और शायद इसकी सत्यता आप परख के बताएंगे कि मोहन भागवत जी ने और नितिन गडकरी जी ने मंच साझा किया है। ये संकेत दे रहा है कुछ, ये कुछ संकेत दे रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी दोबारा सोच रहा है, जैसा जो BJP के हिमाचल प्रदेश के नेताओं ने सोचा, जैसे कर्नाटका के नेताओं ने सोचा। और मोदी जी केरला क्यों घूम रहे हैं, कर्नाटका क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हार का बोझ अपने सिर पे नहीं लेना चाहते। कर्नाटका के बड़े नेता BJP छोड़ रहे हैं, शाहजी को छोड़ दिया है, शाहजी पे सारा मत्थे पे डाल दिया जाएगा। ये आंतरिक संघर्ष है। और जो ये सोचा जा रहा है कि 2024 के बाद चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, मोदी जी की अब पकड़ नहीं रह गई है BJP के अंदर। BJP के अंदर भी विद्रोह है, RSS के अंदर भी उनके विरुद्ध विरोध है, क्योंकि RSS को अटल जी की आदत थी, मोदी जी की आदत नहीं थी। जहां पर राम जन्मभूमि का अगर शिलान्यास होता है कोई शंकराचार्य नहीं होता, और मोहन भागवत पीछे पीछे चलते हैं, आगे आगे सबसे कौन चलते हैं? माननीय मोदी जी। वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, धार्मिक कार्यक्रम था। या तो शंकराचार्य चलते या हिंदू धर्म की स्थापना का क्लेम करने वाले RSS प्रमुख चलते, लेकिन वो भी पीछे पीछे चल रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है इसकी कोई संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं है कि 2024 में BJP आ सके। और ये प्रशासनिक तंत्र को इस बात को CBCID और सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC के वरिष्ठ अधिकारियों को समझ लेना चाहिए, जो आंख मूंद के फाइलों पे दस्तखत कर रहे हैं और अपनी सुख सुविधा का उपभोग कर रहे हैं। 2024 के बाद हो सकता है कि CBI और इनकम टैक्स और ED इनके पीछे पड़े। इसलिए समय के परिवर्तन को भांपें, और BJP नहीं साथ देगी मोदी जी का और अमित शाह जी का, क्योंकि वो क्षेत्रवाद से आज की तारीख में परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात राजीव जी, जो सिंह साहब ने भी कहा और अमलिंदु जी ने भी कहा, हम लोग कुछ भी स्वीकार कर सकते हैं, अपने घर की बहन बेटियों पे अत्याचार और उनकी आवाज कानून के प्रावधानों के बाद भी न सुना जाना और उन्हें खुली सड़क पर 24 घंटे बिठाना, ये मेरा एक पिता का हृदय, एक भाई का हृदय नहीं स्वीकार करेगा। और मैं बताता हूं कि भारत की जनता का एक भी पुरुष जो सही में सामाजिक है
और जो भगवान कृष्ण को मानता है और जो अल्लाह को मानता है, जो गुरु नानक को मानता है, जो जीसस क्राइस्ट को मानता है, वो औरत के प्रति जो ये अन्याय हो रहा है, बेटियों के प्रति अन्याय हो रहा है, इसको सहन नहीं करेगा। और मैं आपको लिख के देता हूं, अगले 10 दिन में यही जंतर मंतर परिवर्तन का संकेतक होगा। और एक और चीज, सतपाल मलिक अब अगले जयप्रकाश नारायण हैं, वो जेपी थे, ये एसपी हैं, वो आंधी बिहार से उठी थी, ये वेस्टर्न यूपी से उठेगी, और पूरा वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिल्कुल ये एक प्रकार से गुजरात से विद्रोह कर देगा। जी जी बिल्कुल। अभी आप पूछ रहे थे आरएसएस चीफ यानी मोहन भागवत और नितिन गडकरी, बिल्कुल ये दोनों, और आज ही दोनों साथ में थे, और इनके साथ साथ मोदी जी के दोस्त भी थे यानी अडानी साहब, ये तीनों थे साथ में। और मौका था नागपुर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो नागपुर है उसका इनोग्रेशन था, उसमें ये थे और 5,000 से ज़्यादा लोग वहाँ उपस्थित थे, ये तीनों वहाँ मौजूद थे। तो ये जानकारी आपने अभी चूंकि बात रखी थी और आपने कहा कि इसको थोड़ा कंफर्म कर लीजिए, तो मैं कंफर्म करके आपके सामने, आप सबके सामने रख रहा हूँ। और क्या कुछ परिवर्तन जिसके तरफ इशारा कर रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप समझिए, आप समझदार हैं। लेकिन हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए कि क्या कर्नाटक का चुनाव और उसमें भी जो 13 तारीख जिस दिन रिजल्ट आना है, उसके बाद से देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर लगा करके आप थोड़ा सा उन लोगों के लिए राहत दे देते हैं जो लोग जो चाहते हैं वो आज की तारीख में कर लेते हैं, तो यहाँ अगर मगर की बात है या नहीं है, ये हम अभी चूंकि वहाँ नहीं हैं, बहुत जल्दी आपको पहले से बता रहे हैं कि कर्नाटक हम लोग पहुँचने वाले हैं, कर्नाटक पहुँचेंगे और वो तमाम बातों से पर्दा हटाएंगे हम कि क्या चल रहा है वहाँ की जनता, वोटर्स वहाँ के क्या कुछ सोच रहे हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ हम जो समीक्षा कर रहे हैं वो जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चल क्या रहा है। एक बार फिर से आना चाहता हूँ सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, किस रूप में देखा जाए, आप किस रूप में देखते हैं देश की राजनीति को, उसमें भी जितनी देखिए कितनी तेजी से घटनाक्रम में परिवर्तन हम देख रहे हैं, जिसमें सत्यपाल मलिक का किरदार भी आ जाता है, जिसमें फिर से लड़कियां लड़के जो पहलवान हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो आ जाते हैं। उधर कर्नाटक का चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बार बार किसी भी चुनाव, छोटे स्तर के चुनाव में भी जो प्रधानमंत्री पहुंच जाया करते थे, वो आज दिल्ली से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन उस संबोधन में बूथ स्तर की बात हो रही है, बूथ को कब्जाने की बात हो रही है, लेकिन साथ साथ दंगा फसाद की बात उधर देश के गृह मंत्री कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR, बहुत सारी कहानियां हैं। और इन कहानियों के साथ साथ जो नैरेटिव सेट हो रहा है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से देश की राजनीति में बदलाव के की जो कोशिशें हैं वह परवान चल रही है। अगर विपक्ष के ऐसे ऐसे नेता जो एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं थे, एक दूसरे के साथ मंच साझा करने के लिए तैयार नहीं थे, अगर वह इस सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए, एकजुट होने के लिए तैयार हैं, तो यह एक बड़ा संकेत है। अगर ममता बनर्जी यह कहती हैं कि GST के मामले पर केंद्र सरकार का समर्थन एक बहुत बड़ी गलती थी, इस बयान का मायने है। अगर अरविंद केजरीवाल साहब जो किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने के लिए चले जाते थे, आम आदमी पार्टी बड़े बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार करती थी, अगर वो कर्नाटक में चुनाव प्रचार नहीं कर रही है तो इसका राजनीतिक मायने है। अगर नीतीश कुमार ऐसे नेताओं से मुलाकात करते हैं जिनका अभी तक कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं है और उन नेताओं के साथ एक सकारात्मक संकेत मिलते हैं तो इसका एक राजनीतिक मतलब, एक राजनीतिक संदेश है। अगर इस देश के जनता, एक राज्य के लोग भारतीय जनता पार्टी के उन नैरेटिव्स को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जिस नैरेटिव के आधार पर ये सत्ता हासिल करती रही है, तो इसका एक राजनीतिक संदेश है। अगर एक जिस कांग्रेस मुक्त भारत की बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कही थी, अगर उस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के 50 नेता शामिल हो जाते हैं तो इसका एक राजनीतिक संदेश है। और ये राजनीतिक संदेश यह है कि जिन नारों, जिन आश्वासनों और जिन वायदों के साथ यह पार्टी सत्ता में आई थी, जनता ने इनको जन्म दिया था, उन विश्वासों को, उन सपनों को, उन आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है। यह पार्टी करती कुछ है, करती कुछ है।
जिस बात की बात प्रोफेसर अक्षय स्वामी जी कर रहे हैं यह सामान्य बात नहीं है। यह कुछ 2, 4, 5, 10 महिला पहलवानों का सवाल नहीं है, वो गिनती के लोग नहीं है, वह देश की शान है, गौरव है, जिन्होंने हमारे तिरंगे की प्रतिष्ठा को दुनिया के पैमाने पर, दुनिया के नक्शे पर स्थापित किया। अगर उनकी बात आप सुनने के लिए तैयार नहीं थे और नहीं है, उनकी बात सुनने के लिए इस सरकार के पास, इस हुकूमत के पास समय नहीं है, तो आखिर किसकी बात सुनने के लिए आपके पास समय है? मैं नहीं कहता कि उनकी बात बिल्कुल सही है, मुझे जानकारी बिल्कुल नहीं कि उनकी आरोपों में कितनी सच्चाई है, लेकिन उनकी बात सुनी तो जानी चाहिए। अगर वह खुले आसमान के नीचे अपनी बात इतनी ताकत के साथ कह रहे हैं तो यह हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो आगे बढ़ करके उनको वहां बैठने ही नहीं देते, कहते नहीं मैं आपके साथ बैठा हूं, आप मुझसे अपनी बात कीजिए, उसके बाद आप कोई निर्णय लीजिए। इस तरह की अनदेखी यह सामान्य बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, और मुझे यह लगता है कि इसका असर देशव्यापी पड़ेगा। और जिस तरीके से उनको जन समर्थन मिल रहा है, ये तो इन पहलवानों ने ही पिछली बार में इनसे चूक हुई थी कि उन्होंने राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं लिया, और उनको यह विश्वास था कि सरकार इनकी बात को सुनेगी और जिन बातों की मांग कर रहे हैं उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन जब उन्होंने समर्थन, जब उनकी बात नहीं सुनी गई, वह एक जांच के नाम पर उठ के चले गए और जो अपने साथ धोखे की बातें कर रहे हैं, तब फिर दोबारा मजबूर हुए हैं आने के लिए। ये बहुत बड़ी चीज है और मुझे लगता है कि कर्नाटक जैसे राज्य में इस घटना का व्यापक असर पड़ेगा, इस बात का असर पड़ेगा कि यह सरकार सामान्य तो सामान्य जो लोग इस देश की पहचान है उनकी ही बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कर्नाटक में स्थिति ये आ गई है कि इस सरकार के पास, भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं। मैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में कभी भी सरकार बनाने का जन समर्थन नहीं मिला है। कर्नाटक वह राज्य रहा है जहां रामकृष्ण हेगड़े जैसे लोग जो उस बिरादरी से आते हैं, जो केवल 3% है वहां, वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, लोगों ने उनको स्वीकार किया। कर्नाटक वो एक उस तरह का राज्य है जहां जो कभी अपने आप को धार्मिक विभाजन के लिए स्वीकार नहीं किया, एक बहुत ही प्रबुद्ध जागरूक राज्य माना जाता रहा, और वहां के लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी कितना भी डिडोरा पीट ले, आज भी सिद्धारमैया साहब मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक पसंद के व्यक्ति हैं कर्नाटक के राज्य नागरिकों के लिए, कोई आरोप आप नहीं लगा पाए। और ये पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में भी आप याद कीजिए, 2018 के चुनाव में सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मत मिला था, मत प्रतिशत बीजेपी से ज्यादा है उनके पास, मैंने एंटी इनकम्बेंसी का जो असर जिसकी लोग बात करते हैं वो नहीं दिखाई पड़ा, सीटें कम हुई बिल्कुल सही है लेकिन जनमत कम नहीं हुआ, जनसमर्थन कम नहीं हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस ने अपना जनसमर्थन हर इलाके में बना के रखा होगा। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देती हुई कि कांग्रेस मौजूद नहीं है। और ये आप सोचिए ना कि ये कोई ऐसा नेता है क्या बीजेपी के पास एच डी शिवकुमार के जैसा? शिवकुमार को कांग्रेस से हटाने के लिए, उस पार्टी को छोड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, कितने तरह की जांचें की गई, कितने बार छापेमारी की गई, किस किस तरह के आरोप लगाए गए, कितनी बार उनको जेल भेजा गया, बावजूद वह व्यक्ति अपनी पार्टी को छोड़ा नहीं, अपने सिद्धांतों को छोड़ा नहीं। और एक ऐसा नेता नहीं है कांग्रेस का, जितने भी चेहरे हैं वहां, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, कोई है मल्लिकार्जुन खड़गे के पास उनके खाते में 9 चुनाव जीतने का रिकॉर्ड है, 9 विधानसभा, अरे 11 चुनाव, 9 विधानसभा और 2 लोकसभा, कौन सा व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी के पास जो इस कद का व्यक्ति हो, जिसके पास इतने बड़े समय, बड़े पैमाने पर और लंबे समय तक जन समर्थन हासिल रहा हो, चाहे मैं सिद्धारमैया हूं, चाहे श्री कुमार साहब हूं, चाहे अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हूं, कोई एक ऐसा नेता नहीं है जिसका जनाधार नहीं है, जिसका पब्लिक कनेक्ट नहीं है। और उसके विपरीत येदियुरप्पा साहब को छोड़ के कोई व्यक्ति उनके पास नहीं है जिसका जनाधार हो, जिसके पास जन समर्थन हो, और उस व्यक्ति को भी आपने कूड़े में डाल रखा है। लिंगायत समाज के लोगों के लिए अपने नेता हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं, पार्टी उनके लिए कभी महत्वपूर्ण नहीं रही। जब वीरेंद्र पाटिल को भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने पद से हटाया था, उस पूरे के पूरे समाज ने कांग्रेस को छोड़ दिया। और याद कीजिए आप कि जब वीरेंद्र पाटिल साहब जो हटाए गए थे वहां से, उसके बाद जो चुनाव हुआ कांग्रेस की क्या दुर्गति हो गई थी, वही स्थिति येदियुरप्पा साहब का, लिंगायत समाज चला गया था बीजेपी के साथ। लेकिन जब लिंगायत समाज के नेता येदियुरप्पा साहब ने बीजेपी छोड़ी और अपनी नई पार्टी बनाई, तो क्या बीजेपी क्या दुर्गति हो गई वहां? तो वो अपने नेता के साथ रहते हैं,
जगदीश सेट्टार के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बर्ताव किया है, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और लिंगायत समाज के मठों ने इस पर आपत्ति की और कहा है कि जिस तरह का अपमान किया गया है सेट्टार के साथ, वह स्वीकार करने लायक नहीं है, वह निंदनीय है, ये सामान्य चीजें नहीं है। तो ये वह एक ऐसा समुदाय जो अपने मूल्यों के साथ जीता है। आपने कहा, आप ये बात लगातार करते चले आ रहे हैं कि जो अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया गया था वो गैर कानूनी था। अब सर्वोच्च न्यायालय ने तो आपके निर्णय को गलत करार दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो आपने निर्णय लिया है वो गलत है। और जिन समाज को आप उनका आरक्षण काट करके दे रहे थे, उस समाज ने कहा कि इस तरीके से किसी का हिस्सा छीन करके किसी को लाभ पहुंचाने का जो तरीका है वो हमारे समाज में स्वीकार्य नहीं है। एक अलग तरह का समाज है वो, और वह एक यह समाज अपने मूल्यों के साथ जीना चाहता है। जो सर्वधर्म संभाव की भावना उनके अंदर रही है, अरन मूर्ति जैसे विद्वान है साहब वहां, जिनको पूरा समाज सुनता है, विभिन्न मठों के लोगों को, हर समाज हर वर्ग के लोग उनको सुनने के लिए जाते हैं। वो हम और आप बात एक सामाजिक व्याख्या के तहत हम वो कलिगा और लिंगायत और कुर्बा और ईसाई और अल्पसंख्यक और दुनिया की बात करते हैं, वो समाज में रह करके आप जान नहीं सकते हैं कौन किस वर्ग का है, किस और किस तरह के लोग हैं, जिस तरीके की उनकी जीवन शैली है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिशें की वो एक दो इलाकों में सिमट के रह गए। और कभी भी भारतीय, और सबसे बड़ी ताकत ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व पर स्थानीय नेतृत्व कभी निर्भर नहीं रहा। उन्होंने कभी लालकृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी का इंतजार नहीं किया भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। येदुरप्पा जी ने उसको आगे बढ़ाया, जगदीश सेट्टार ने उसको बढ़ाया, जगदीश सावधे ने उसको आगे बढ़ाया, इन नेताओं ने उनको आगे बढ़ाया। इसीलिए वो स्थानीय नेतृत्व जो बीजेपी का है वह उन चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जिन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो बढ़ाना चाहता है। येदुरप्पा साहब अगर ये कहते हैं कि हिजाब और हलाल ये वो मुद्दे नहीं है जो कर्नाटक की जनता स्वीकार करेगी, तो इस बात का मतलब है वह भारतीय येदुरप्पा साहब कर्नाटक की जनता के नस्क स्पंदन को जानते हैं, उनकी भावनाओं को जानते हैं। गोया कि अगर आप गवर्नेंस की बात नहीं करेंगे, अगर आप नीतियों कार्यक्रमों और उपलब्धियों की बात नहीं करेंगे, आम आदमी को सामाजिक सुरक्षा देने की बात नहीं करेंगे, युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात नहीं करेंगे, किसानों के आर्थिक हितों की सुरक्षा की बात आप नहीं करेंगे, तो आपके भावनात्मक बातों पर ये कोई बहने वाला नहीं है और कभी नहीं माने। लोगों को भ्रम है कि इस तरह 2014 में भी लोगों ने बदलाव के लिए एक बात कही थी और वह बदलाव का दौर लोगों के मन में आने लगा है कि यह बदलाव जरूरी है, और अगर बदलाव नहीं किया गया तो जिस संघात्मक ढांचे के लिए हमारे नायकों ने संघर्ष किया है उसके ऊपर खतरे आ सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या अब ये माना जाए कि भ्रष्टाचार एक बार फिर से इस देश में मुद्दा बनने जा रहा है? कर्नाटक का चुनाव भ्रष्टाचार के नाम पर, 40% के नाम पर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी लड़ रहे हैं, और लगातार छः महीने पहले, कल ही हम लोग सुन रहे थे राहुल गांधी जब पोस्टर बॉय बने थे, 2 अक्टूबर 2022 को बारिश में भीगते हुए उन्होंने भाषण दिया था, उस समय भी 40% की सरकार, और वो सारे मुद्दे जो आज जिन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है वहाँ पर। और अगर चुनाव में कांग्रेस सफल हो जाती है तो क्या 2014 की तरफ लौटते हुए और बिल्कुल दूसरी दिशा में, एक तरफ वहां उस समय 2014 में भ्रष्टाचार के आरोप जो हैं वो लग रहे थे कांग्रेस पार्टी के ऊपर, यूपीए सरकार के ऊपर, यूपीए 2 के ऊपर, क्या हम 2024 में बिल्कुल बीजेपी के ऊपर ऐसे ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते हुए और उस पर चुनाव होते हुए हम देखने वाले हैं? क्योंकि अगर फिर स्वामी जी के हिसाब से अगर क्रॉस कर देना चाहिए, कांग्रेस जीतती है तो क्या एक बड़ा मुद्दा होगा जहां अडानी सबसे ऊपर होंगे और जहां सत्यपाल मलिक भी सबसे ऊपर होंगे और ऐसे तमाम मुद्दे सामने होंगे जिससे पार पाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा? राजीव जी, प्रचार और दुष्प्रचार की स्वामी जी कुछ बोल रहे हैं। जी स्वामी जी, सम्मान होगा, उनकी आबरू होगी और हम लोग सब कुछ सहन करेंगे। उनकी आबरू बलाने के लिए बीजेपी को नहीं टिकनेंगे, नहीं तो ब्रजभूषण शरण सिंह को तुरंत गिरफ्तार करें और पूछताछ करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात भी महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल जी जी राजीव जी,
प्रचार और दुष्प्रचार की जो कलाएं 16 कलाओं में निष्णात है बीजेपी के नेता। अब देखिए खड़गे जी ने क्या कहा था, खड़गे जी ने यह कहा था कि नरेंद्र मोदी अच्छे आदमी है, उन्होंने जो कन्नड़ में भाषण दिया, नरेंद्र मोदी अच्छे आदमी है लेकिन उनकी वाणी में जहर, इसे वो क्या कहना चाहते थे यह बात अलग है। और इसी बात पर स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर वगैरह 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 बहुत सारे लोग टूट पड़े। दूसरी बात है कि आपने भ्रष्टाचार की बात की, 40% भ्रष्टाचार का तो आरोप है, लेकिन तुमकुरु से बीजेपी ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया LC नागराज को, वो एक पुराने IAS अधिकारी, उन पर 4,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। CBI ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि कुमतुरु के विधायक नागराज के उम्मीदवार नागराज जी पर 4,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला है, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट दिया और क्यों दिया इस बारे में बहुत सारी बातें हैं कि क्यों नहीं दी। एक और बात, जब नड्डा जी और अमित शाह कर्नाटक में गए 2 दिन पहले तो कोई भी लिंगायत समुदाय का नेता उनसे मिलने के लिए नहीं आया। इस पर दिल्ली हाईकमान से येदियुरप्पा को, येदी साहब को कहा गया कि लिंगायत नेताओं से मिलिए और बात कीजिए। उसके बाद येदी साहब ने कहा कि मैं किसी भी दशा में जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी जैसे लोगों को जीतने नहीं दूंगा। और खास बात यह कि नरेंद्र मोदी जब अगली बार चुनाव सभा में आएंगे कर्नाटक में, जब भी आएंगे, तो उनके निशाने पर ये लक्ष्मण सावदी और जगदीश शेट्टार ये दो ही लोग हैं। तो ये सारी बातें स्पष्ट हो रही है कि बीजेपी किन बातों पर चुनाव लड़ेगी। टीपू सुल्तान उसके मुद्दे हैं, हिजाब उसका मुद्दा है। जो बात नड्डा जी ने कही वो तो बड़ी जबरदस्त थी। नड्डा जी ने सोशल मीडिया पर कहा था 2 दिन पहले कि आप कर्नाटक के लोग मोदी जी के आशीर्वाद से वंचित हैं, इसलिए मोदी जी को वोट दीजिए। यानी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में मोदी जी कहीं से खड़े हुए शायद नरेंद्र मोदी जी, तो लोग उनको वोट दें, ये उनकी अपील। तो आप समझ जाइए कि बीजेपी का प्रचार तंत्र या दुष्प्रचार तंत्र कितना सक्रिय है। भ्रष्टाचार के जो आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं और बीजेपी के नेताओं ने किए हैं, वे उन आरोपों की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि उन आरोपों की बात कर रहे हैं CBI और ED के पुराने मामलों की जो विपक्ष के नेताओं पर लगे हैं। और बीजेपी फिर यही कह रही है कि देखिए हमने ईडी को सक्रिय किया, CBI को सक्रिय किया, तो विरोधी लोग एक हो गए ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई न लड़ सके। भले नागराज जैसे नेताओं को हम कर्नाटक में टिकट दें जो 4,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के CBI की चार्जशीट में, ये राहुल गांधी ने नहीं कहा कि वो भ्रष्ट है, CBI की चार्जशीट में शामिल है, इसलिए ये बात है। तो बीजेपी कुल मिलाकर साम दाम दंड भेद। और मोदी जी अगर कहते हैं कि बूथ पर कब्जा करो, तो बूथ पर कब्जा करो का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि बेटा तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे हूं तुम्हारा आका, यह है शायद आशय कि बूथ पर कब्जा करो, ये इनके इनका कारण, जातिवाद अपनाओ, राजनीति करो, जो भी करना है पर बूथ पर कब्जा करो, क्योंकि चुनाव बूथ से जीता जाता है। मोदी जी जानते हैं, उन्होंने बहुत चुनाव लड़े हैं और लड़वाए हैं, आडवाणी जी को लड़वाया है, अटल जी को लड़वाया है, खुद भी लड़े हैं, तो उन्हें पता है कि चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, तो उन्हें पता है कि बूथ पर कब्जा कैसे किया जाता है, और उनकी लड़ाई बूथ वाली लड़ाई ही है। राजीव जी, जी जी, बूथ वाली लड़ाई और बूथ पर कब्जा करो, लेकिन क्या एक मुद्दा विपक्ष को मिल चुका है और उसमें भी भ्रष्टाचार, और अगर भ्रष्टाचार मुद्दा है तो क्या वो चुनाव को जिताने में कामयाब हो पाएगा ये मुद्दा? क्योंकि 2014 की बात करें तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उससे पहले अरविंद केजरीवाल जी का उदय होता है, अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल बैठते हैं इसी दिल्ली में और रामलीला मैदान में, उसके बाद से कैसे आम आदमी पार्टी बनती है आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, और वहाँ अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे की जोड़ी और उनके साथ कुछ वरिष्ठ लोगों की जो जोड़ी थी जो इकट्ठा हुए थे, उस पूरे मामले को और पूरे देश के माहौल को लपक लेते हैं नरेंद्र मोदी और देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन 2024 में क्या इतिहास को हम दोहराते हुए देख रहे हैं? और अगर ऐसा होता है
तो फिर क्या हम देखने वाले हैं? जरा समझने की कोशिश करते हैं। भ्रष्टाचार को बहुत नजदीक से आपने देखा होगा शायद अपने करियर में विजय शंकर सिंह जी, और कई लोगों पर नकेल कसने की कोशिश भी आपने की होगी, और लेकिन यहाँ मामला उस भ्रष्टाचार का नहीं, मामला यहाँ सियासी भ्रष्टाचार का है, और जिसमें 40% की सरकार, लेकिन उसी राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले वाले चुनाव में जाते हैं और कहते हैं सीधा रुपया सिद्धा रमैया को, उसका जिक्र हो भी रहा था अभी थोड़ी देर पहले। क्या कहा जाए, क्या एक नया मुद्दा या एक बहुत शानदार मुद्दा, एक बहुत ही गंभीर मुद्दा अब विपक्ष के हाथ में है? बिल्कुल, विपक्ष के हाथ में ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है। लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो अन्ना हजारे का आंदोलन था 2014 के पहले जो चला था, उस दौरान भ्रष्टाचार के जितने भी मामले कांग्रेस के ऊपर लगे या यूपीए 2 के ऊपर लगे, विशेषकर उनके यूपीए 2 के आखिरी 3 सालों में लगे, जैसे कॉमनवेल्थ गेम का मुद्दा लगा, 2G का मुद्दा लगा, टेलीकॉम घोटाले का मुद्दा लगा, इन तीनों मुद्दे में उसमें न तो इन तीनों मुद्दे में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का भी गठन हुआ, सीबीआई की जांच भी हुई, मुकदमे भी चले, मुकदमे अदालत में भी चले, और अदालत से मुकदमे बिल्कुल रिहा हो गए क्योंकि सीबीआई कोई आरोप नहीं साबित कर पाई। एक मामले में मुझे याद नहीं कौन सा मामला था, उस मामले में तो जज ने कहा उन्होंने इतनी तारीखें दी सीबीआई को कि आप ये तो बताओ कि इसमें आरोप क्या है, जो वो आरोप नहीं साबित कर पाए। तो यूपीए के समय जो भी भ्रष्टाचार हुआ, देखिए भ्रष्टाचार नहीं रोका जा सकता है, मैं अपने करियर के हिसाब से बता दूं कि भ्रष्टाचार नहीं रोका जा सकता है, ये एक मानवीय प्रवृत्ति है, वो होती है। लेकिन किया क्या जा सकता है कि यदि भ्रष्टाचार का संज्ञान आपके पास आ गया, आपने समझ लिया कि भ्रष्टाचार है, तो एक अधिकारी के हैसियत से या एक सरकार के हैसियत से आप उसकी जांच कराइए, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ, भ्रष्टाचार के 3 बड़े मामले बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं। एक तो अडानी का, ये इतना बड़ा मामला है कि सारे मामलों को ये ढक सकता है, और इतना गंभीर मामला है कि अडानी के भाई विनोद अडानी की शेल कंपनियों से जो पैसा आया है, तो 20,000 करोड़ की रकम राहुल साहब बता रहे हैं, लेकिन और भी लोगों की रकम होगी, ये पैसा हमारे डिफेंस सेक्टर की उन कंपनियों में लगा है जो संवेदनशील उपकरण बनाती है, ये पैसा किसका है, ये पैसा ड्रग मनी का है या किसका है? ड्रग की बात करिए तो 3,000 किलो हेरोइन वहां से पकड़ी जाती है और उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है। शाहरुख खान के बेटे के बिना रिकवरी पर हम लंबी डिबेट देखते रहते हैं, नियमित डिबेट देखते रहते हैं, और 27 दिन तक उसे जेल में रहते हुए देखते हैं, लेकिन इसके बारे में यह भी नहीं पूछा जाता है कि कहां से आई, क्या हुआ, और कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। तीसरी राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बंद लिफाफा जो दिया था, वो एक प्रक्रिया बताई थी कि यह प्रक्रिया होती है, हमने इस प्रक्रिया से खरीद किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि प्रक्रिया सही है, सवाल प्रक्रिया का था ही नहीं। प्रक्रिया तो हर मामले में सही होती है, सवाल था कि जितनी संख्या थी जहाज की, जो समझौता पहले था, उतने जहाज क्यों नहीं खरीदे गए, नंबर एक। नंबर दो, जहाज महंगे क्यों खरीदे गए? नंबर तीन, जब लंबे समय से एचएएल को ठेका देने की बात चल रही थी और बात बिल्कुल निर्णायक हो चुकी थी, केवल दस्तखत होने बाकी थे, एंड वक्त पर अनिल अंबानी को किसने बुलाया वहां, किसने फ्रांस के राष्ट्रपति से कहा कि आप इनको ठेका दीजिए, और किसने ये राज उजागर किया कि ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भारत के कहने पर ये ठेका दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या कार्रवाई की गई? तो भ्रष्टाचार हो भी रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो रही है, तो ये सबसे बड़ी चिंताजनक बात है, और सबसे और इसी बात के को जनता समझ भी रही, ऐसा नहीं जनता नहीं समझ रही है। तीसरी चीज, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड लाए कि इसके द्वारा पूंजीपति हमें ये देंगे, होना तो ये चाहिए था कि इलेक्टोरल बॉन्ड बिल्कुल पारदर्शी होते, जो जितना पैसा दे रहा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आ जाता कि फलाने ने फलानी पार्टी को इतना पैसा दिया, वो नहीं है, और जब उसके बारे में पूछा जा रहा तो बिल्कुल चुप है। पीएम केयर्स का, सरकारी आदमी उसका ट्रस्टी है, प्रधानमंत्री गृहमंत्री रक्षा मंत्री ट्रस्टी है, लेकिन पीएम केयर्स फंड निजी फंड है, इस बात का निजी फंड है, उसमें आपने सारी सरकारी कंपनियों से पैसा लिया है, सरकारी कंपनियों से जो पैसा लिया है वो 59% पैसा है, बाकी पैसा निजी कॉरपोरेट ने लिया है। सीएसआर फंड जो कंपनियों में नियम इसलिए बनाया गया था कि कंपनियां अपने अंशदान का कुछ रुपया जनता के सुख सुविधा पर खर्चा करेंगी, उनकी बेहतरी पर खर्चा करेंगी,
वो आपने सीधे उनसे घर चीज के पीएम केयर के फंड में ले आया, क्यों? फिर उस सीएसआर का खर्चा क्यों आपने पीएम केयर के फंड ले आया? चलिए आपने ले आया, लेकिन आपने कहा कि कोरोना के लिए आए हैं, आपने कोरोना में उनसे क्या कार्रवाई की? कहीं कहीं उन्होंने वो कुछ जो होता है जो उपकरण इन्होंने भेजा है तो उस उपकरण के बारे में भी शिकायत आ रही है, वो है तो सीधी सी बात इस पर भी आप चुप हैं। तो ये चार गंभीर मामले हैं, मैं और भी छोटे छोटे मामले होंगे जो उसको मुझे याद नहीं है, लेकिन निकाला जाएगा तो वो मिल जाएंगे, लेकिन चार गंभीर मामलों में सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, इन चारों मामलों में प्रधानमंत्री की चुप्पी। अडानी का मामला तो ऐसा है कि जिस दिन राहुल गांधी अडानी के बारे में सदन में अपनी बात रखते हैं और बेहद शानदार तरीके से रखते हैं, उसके और ये कहते हैं कि आपके रिश्ते क्या हैं ये बता दीजिए, तो प्रधानमंत्री की इतनी भी हिम्मत नहीं कि उसके कह सके कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं इस प्रकरण की जांच कराऊंगा। आप दूसरे दिन राहुल गांधी को वहां से उनकी भाषण गायब करा देते हैं, महुआ मोइत्रा का भाषण गायब करा देते हैं, खड़गे साहब का भाषण राज्यसभा से गायब करा देते हैं, गुजरात का एक मुकदमा चलता है उसमें ये राहुल गांधी को 2 साल की सजा होती है, संसद से आप उनको निकाल देते हैं, घर से आप उनको बेदखल कर देते हैं। तो इन घटनाओं को एक सूत्र में देखे ये बात नहीं होगी कि आप घबराए हुए हैं और भ्रष्टाचार के आरोप से आप हिले हुए हैं, और आपका जो यूएसपी था कि मोदी भ्रष्टाचार नहीं कर सकते इसके लिए करेंगे, ये बिल्कुल दांव पलट चुका है और ये चीजें खोल देंगे। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत समझदार है, इस चीज को देख रही है। प्रोफेसर साहब ने बात की महिला पहलवानों की, तो मैं अभी भी खबर मिली तो मैं आपके द्वारा सबको बताना चाहूंगा। पीटी ऊषा का एक ट्वीट अभी मेरे सामने गुजरा है, जब अभी मैं देख रहा था जब आप लोग बात कर रहे थे मोबाइल देखा ट्वीट में, तो उन्होंने कहा है कि पहलवानों के धरने से देश की छवि धूमिल हो रही है, ये अजीब तमाशा है। उनके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगा है, वो पहली बार धरने बैठी तो कमेटी बनी जांच के लिए, उस कमेटी ने कहा 1 महीने में रिपोर्ट देंगे कार्रवाई करेंगे, कमेटी में कोई रिपोर्ट नहीं दी ना कोई कार्रवाई हुई। दोबारा वो लड़कियां जब बैठी है तो पीटी ऊषा इंडियन ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप से और महिला है, उन्हें उनके समर्थन में आना चाहिए, उनके समर्थन में सरकार से कहना चाहिए कि आप इस पर कार्रवाई करिए, तो वो कह रहे हैं कि इससे देश की छवि खराब हो रही है। तो देश की छवि भ्रष्टाचार उजागर करने से नहीं खराब हो रही है, यह अडानी के समय में भी कहा गया था कि आप अडानी को की बात करके देश की छवि खराब कर रहे हैं, तो एक नए तरह का पैंतरेबाजी है, एक नए तरह की बात है, ये बेहद निंदनीय है, और देश की छवि भ्रष्टाचार के उजागर होने से नहीं खराब होती है, भ्रष्टाचार के उजागर होने के बाद उस पर चुप्पी बांध रहने से खराब होती है, निष्क्रियता से खराब होती है, कोई कार्रवाई न करने से खराब होती है। राजीव जी, जी बिल्कुल सिंह साहब, बहुत सारी बातें और बहुत महत्वपूर्ण बातें आप रख रहे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड ये एक मामला जो आने वाले समय में बहुत कुछ बहुत पढ़ते भ्रष्टाचार की खोलेगा, उसके अलावा बॉन्ड के अलावा जो है वो पीएम के अलावा है, और दो बातें और भी शायद जो आप कह रहे थे कि शायद छूट गए हों कुछ बातें, इसमें से कुछ पॉइंट्स, उसमें से एक नोटबंदी और एक कोरोना फंड। कोरोना के समय ही पीएम केयर फंड का मामला था, लेकिन कोरोना अपने आप में तो कुछ चीजें हैं जो आने वाले समय में, लेकिन सबसे बड़ी चीज जिस जहर की बात आज बहुत तेजी से फैलाई गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा कहा है, उस जहर को फैलाने वाला जो जहरीला मीडिया है वो जिस दिन अपने गिरबान में झांकेगा उस दिन इस देश की हालत खुद ब खुद ठीक होने लगेगी, बेहतर होने लगेगी। इसलिए क्योंकि जहर फैलाने का काम तो मीडिया कर रहा है, अब बहुत खुले तौर पर मैं ये बात कह सकता हूँ, इसलिए उस जहर से बचने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इस चर्चा को अब समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ, और बहुत सारी बातें लगातार हो रही हैं, करते भी रहेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत शानदार विश्लेषण आप लोग करते हैं, और हमारे साथी भी लिखा करते हैं कि वो भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि इस प्रोग्राम को आप 1.5 घंटा नहीं 2 घंटा चलाया करो, लेकिन अभी तो इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ विजय शंकर सिंह जी आपका, सुनील शुक्ला जी आपका, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपका, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े रहे, और आप तमाम साथी जो लगातार बने हुए हैं, अपनी बात अपने विचार रख रहे हैं। और देखिए कितनी सारी घटनाएं चल रही हैं, कितनी सारी चीजें जिस पर चर्चा होनी चाहिए, न सिर्फ डीबी लाइव में बल्कि तमाम मीडिया के अलग अलग जो विंग हैं, अलग अलग जिस भी रूप में हैं, चाहे अखबार हो, चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे